Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. I hope that all those students who have given your NET examination, you must have started applying for MPhil or PhD. आपने MPhil or PhD के लिए apply करना शुरू कर दिया होगा, because there are a lot of notifications coming in for the winter admission session, जो कि जनवरी से शुरू होते हैं. So, आपको regularly notification मिलते रहते होंगे, and जो मुझे भी information मिलती है, I also keep sharing it on the Telegram group. So I believe कि आपने apply करना शुरू कर दिया होगा, but a very pertinent question that is being asked to me by a lot of students is, sir, what should be the criteria, what should be the parameters that should be looked upon while taking admission into PhD? So अगर आपको किसी जगह पे PhD पे apply करना है, तो क्या ऐसे aspects हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, so that you do not mess up afterwards, या फिर आपको बाद में कोई भी problem ना हो. So today I am going to talk about these aspects in this particular video. So there are in total three important aspects that you need to consider while applying for PhD. सबसे पहला criteria ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा passionate हैं PhD को लेकर, research को लेकर, and your objective is to do your PhD or MPhil from the best of the institute, सबसे अच्छे institute से आप करना चाहते हैं all over India, you do not have any limitation, you do not have any restriction with regard to commutability. आपको कोई भी problem नहीं है किसी और location में जाके रहने में, stay करने में, PhD करने में. तो सबसे पहला criteria जो आप use कर सकते हैं is to choose the best and premier institutes. आपको करना क्या होगा? You have to go to the NIRF website. आप NIRF website पे जाइए. And जिस भी आप domain में हैं, let's say you are in the management domain, so top 50 institutes देखिए, उनकी websites पे जाइए. Read on to the proper prospectus as well as brochure. Proper पढ़िए क्या eligibility conditions है for applying for PhD or MPhil, and accordingly आप वहाँ पे apply कर सकते हैं. This should be the first parameter. The second parameter is location. कुछ students ऐसे होते हैं जो किसी family issue की वजह से, और they are very well settled at the places where they are, वो किसी वजह से किसी और location में, किसी और place पे move नहीं कर सकते. They cannot transfer or they cannot move to any other city or any other state. तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आपको ये करना है कि आपको अपनी लोकेशन में, जहां भी आप हैं, लेट्स से यू आर इन दिल्ली, लेट्स से यू आर इन उत्तर प्रदेश, इन लखनऊ और समवेयर, आपको अपने आसपास जो भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लगता है जो थोड़ा सा भी अच्छा है रिसर्च में, एंड आप वहां पे कंफर्टेबली कम्यूट कर पाएंगे, कंफर्टेबली मूव कर पाएंगे, आपको जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लुक फॉर देयर वेबसाइट्स. उन वेबसाइट्स पे जाके देखिए कि क्या आप वहां पे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू मूव, तो कोई फायदा नहीं है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, किसी दूसरी सिटी या स्टेट में अप्लाई करें. बिकॉज हो सकता है कि आप एडमिशन ले लें, बट आप वहां के रिसर्च रिलेटेड एनवायरमेंट से कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, एंड वहां से आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है. द थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू नीड टू कंसिडर वाइल इज द स्कॉलरशिप और द फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट यू गेट. तो अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, तब तो आप किसी इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर लीजिए, आपको यूजीसी की तरफ से जेआरएफ स्कॉलरशिप मिल जाती है. बट देन देर आर सम स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज प्रोबेबली उनका जेआरएफ नहीं क्लियर है, एंड वो नेट के बेसिस पे ही एमफिल या पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं. सो हेयर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर यू ऑल इज द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. तो इस केस में आपको क्या करना है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें, वेदर इट बी द टॉप इंस्टीट्यूट और एनी अदर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो, IITs, IIMs, या फिर कोई डीम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले वहां पे चेक करिए कि वहां पे स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है. जैसे मैंने अपनी अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट या फेलोशिप देते हैं, विच इज इक्वल टू व्हाट द जेआरएफ कैंडिडेट्स गेट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो वो जो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप देती है, दैट इज इक्वल टू व्हाट अ कैंडिडेट गेट्स इन जेआरएफ. वेरस कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जो थोड़ी सी ज्यादा भी देते हैं, फॉर एग्जांपल IIMs एंड IITs की बात करें, एंड कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी जो स्कॉलरशिप होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 5,000 पर मंथ दैट कैन गो टूवर्ड्स 30,000 to 35,000 पर मंथ एज वेल. तो बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा आपके लिए, बिकॉज 3 से 4 साल आपको पीएचडी करनी है, जहां पे आपको अपने सारे एक्सपेंसेस, फाइनेंसेस एंड रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर की नीड्स को भी मैनेज करना है. सो देयरफॉर इस केस में आप इंस्टीट्यूट्स के ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें, उसमें जरूर देखें कि क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. सो दीज कैन बी द थ्री पैरामीटर्स दैट वुड हेल्प यू अप्लाई फॉर पीएचडी, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज कर पाएंगे जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल होगा और कंफर्टेबल होगा पीएचडी या फिर रिसर्च परस्यू करने में.
सो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. इफ यू डिड देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. वील कंटिन्यू विथ कमिंग अप विथ सच वीडियोज. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.